मैं आपको तीन ऐसे इंस्टेंसेस दूंगा ऐसे इन्वेंशंस के जो आपको पता होंगे बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये भारत में हुए थे। पाई की 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने से लेके वैदिक मैथमेटिक्स तक, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स बनाने से लेकर हाईएस्ट क्वालिटी गारमेंट्स बनाने तक भारत का अतुलनीय योगदान है और इन पर तो पुस्तक लिखी जानी चाहिए। और वैसे पुस्तकें लिखी भी गई हैं, जैसे सुरेश सोनी की ये पुस्तक। पॉइंट 4 डेसिमल प्लेसेस का नहीं है, परंतु इसका है कि इतनी महान उपलब्धियों के बावजूद भारतीयों में हीन भावना कहाँ से आ गई? क्यों हम आज भी वेस्टर्न वैलिडेशन के भूखे हैं? जब तक कोई फॉरेन मैथमेटिशियन आके हमारे वैदिक मैथमेटिक्स को मैजिक नहीं बोलता, तब तक हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते। चलो तीन इंस्टेंसेस देखते हैं फटाफट। वेलकम टू ब्रीदिंग हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और ब्रीदिंग हिस्ट्री के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए या हम तक आपका कोई भी सुझाव पहुंचाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। मेटलर्जी या धातु विज्ञान का नाम तो सुना ही होगा। हमारे रामायण और महाभारत जैसे इतिहास और पुराणों में भी गोल्ड, आयरन, टिन, सिल्वर, लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज जैसे मेटल्स का वर्णन आता है और इनके भौतिक प्रमाण तो आज भी मिल रहे हैं। जैसे राजस्थान के जवार एक्सकेवेशन में जिंक के प्रोसेसिंग की विधि पाई गई थी और इसको 4th century BCE को डेट किया जाता है। सिर्फ 10% जिंक हो अगर ब्रास में तो वो सोने जैसा चमकने लग जाता है, और इस एक्सकेवेशन में उन्होंने 34% तक जिंक मिलाने की विधि प्राप्त करी। आप ASI की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। मेटलर्जी की बात चल रही है तो आयरन की भी बात होनी चाहिए। हमेशा से अरेबिया पर्शिया से लोग भारत की स्टील से बनी हुई तलवारें लेने के लिए आतुर रहते थे। 18वीं शताब्दी में तो यूरोप के सो कॉल्ड मेटलर्जिस्ट ने कोशिश भी करी थी इंडियन स्टील बनाने की, परंतु नहीं बना पाए। आपके ये विख्यात माइकल फैराडे भी फेल हो गए। स्क्रिप्चर्स और कहानी और उत्खनन से प्राप्त प्रूफ के अलावा कोई फिजिकल प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, अगर क्वालिटी इतनी अच्छी थी तो है प्रूफ। लगभग 1600 वर्ष पुराना ये आयरन पिलर जो दिल्ली में स्थित है, सोचिए आज की लोहे की कोई भी चीज़ आप अगर साल भर बाहर रख दो उस पर जंग लग जाती है। ये खम्बा 1600 वर्षों से बाहर है, सारे मौसम झेले हैं इसने, परंतु जंग नहीं दिखी आज तक इस पर। वास्को डगामा का नाम सबको पता है, पर किसी को चंदन भाई पता है? नहीं ना। वास्को डगामा ने इंडिया ढूंढा या इंडिया आने का रास्ता ढूंढा, यही पता है सबको, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं। वास्को डगामा पहुंचा था जंजीबार अफ्रीका, और वहां उसको उसकी शिप से लगभग 3 गुना बड़ी शिप डॉक पर दी। वो बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने पता किया इधर उधर कि ये शिप किसकी है इतनी बड़ी। तो फिर उसको मिले अपने गुजराती चंदन भाई। वो बोले कि हाँ मैं टीकवुड और पाइनवुड लेके आता हूँ इधर, और यहाँ से डायमंड ले जाता हूँ कोचीन। कल मैं वापस जा रहा हूँ तो तुम भी चलो मेरे साथ अगर चलना हो तो। ऐसे वास्को डगामा आया इंडिया। ये तो 3 हुए। आप ये पूरी बुक पढ़ लो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पाइथागोरस थ्योरम से लेकर ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखे गए वैमानिक शास्त्र तक बहुत सारी बातें पता चलेंगी। आपने थंबनेल में जो पिक्चर देखा उसके बारे में भी बता देता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन करिए, आप जब किसी शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट में जाते हैं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी या पंडित जसराज के कॉन्सर्ट में जाएंगे, तो नेचुरली या तो आपके हाथ या आपका सर धुन के साथ हिलेगा। पर आप किसी पॉप या रॉक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाएंगे तो आपके पैरों में एक्टिविटी होती है, तभी लोग वहाँ कूदते हैं इतना। तो इंडियन म्यूजिक नेचुरली आपके बॉडी के ऊपरी पार्ट को एक्टिवेट करता है, और पॉप या रॉक म्यूजिक नेवल के नीचे। हम योग, ध्यान, जप, तप करते हैं ताकि हमारी बॉडी की एनर्जीज राइज हो हाईएस्ट चक्रा की तरफ, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नेचुरली उसको असिस्ट करता है। थॉमस मैकॉले ने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के समय पर उसका एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। वो ठीक था उस टाइम के लिए, बट उसके बाद हमको वो कंटिन्यू करने की क्या आवश्यकता है? ये सारे आविष्कार हमारी संस्कृति से ही तो निकले हैं। कोई ऋषि थे, कोई मुनि थे, कोई संत थे। तो अगर इस संस्कृति को बचाना है जो मानवता के लिए, प्रकृति के लिए सबसे अनुकूल है, तो उसको हमारे आचरण में लाना ही होगा। उसके अलावा कोई उपाय नहीं।
बी प्राउड ऑफ योर हिस्ट्री, योर संस्कृति, योर ट्रेडिशन, योर वैल्यूज. लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक. जय हिंद, जय भारत.